हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश कैरियर पॉइंट पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य या वर्क एनर्जी एवं पावर के विषय में आपको बताते हैं। कार्य क्या होते हैं, कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होते हैं। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके दिशा में जो विस्थापन होता है उसे ही हम कार्य कहते हैं। कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, जिसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एफ एफ इंटू एस। यदि हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, या इसी को हम दूसरी भाषा में न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं। बीमा की बात करते हैं, बीमा क्या होता है तो कार्य का बीमा होता है ML²T-2। राशि कैसी होती है तो कार्य आपका एक अदिश राशि होती है, या इसी को बीमा इसी का मात्रक कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि ग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे कार्य क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस बल में जो विस्थापन होता है उसको ही हम कार्य कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं उसमें अगर विस्थापन नहीं होता है तो आप कहेंगे उसमें कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं, जैसे अगर कोई दीवाल हो, उस दीवाल को अगर आप धक्का लगाते हो और उसको धक्का लगाने में यदि आप असमर्थ हो, या कह सकते हैं कि यदि आप उस पर 5 न्यूटन का बल लगाकर धक्का देते हैं और उस दीवार में विस्थापन नहीं होता है तो उसका उसका जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात उसमें कार्य नहीं होगा। सीधी सी बात यह है कि जिसमें भी विस्थापन होगा उसमें आपका कार्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कार्य की परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु पर यदि आप बल लगाते हैं तो उसके बल की दिशा में जो विस्थापन होता है हम उसे ही कार्य कहते हैं, या कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक हो जाएगा कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग जूल कहते हैं, या किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा होता है ML²T-2, और ये कैसी राशि होती है तो यह आपका अदिश राशि होती है। यदि आप बात करते हैं, यदि आपका बात कहा जाए कि यदि बल एफ और विस्थापन के बीच यदि बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण हो तो उस पे जो लगने वाला कार्य होगा वो आपका होगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और ये जो W बराबर एफ एस कॉस थीटा होगा इस W का मान इसके थीटा पर निर्भर होंगे, और इसके आपके तीन कंडीशन होंगे। तीन कंडीशन कौन होंगे, बात किया जाए, यदि बल और विस्थापन यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे कोई वस्तु हो, इस वस्तु पर बल लगाकर आप आगे की ओर खींचते हैं और विस्थापन भी आपका आगे की ओर है तो आप देखेंगे बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, अर्थात आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हैं, और समांतर होने के कंडीशन में ये जो आपका बल होगा और ये जो विस्थापन होगा इनके बीच में क्या होगा, जीरो अंश का कोण बनेगा, और जब जीरो अंश का कोण बनेगा तो यहाँ रखेंगे का जीरो अंश का मान क्या होगा, एक, तो आप कह सकते हैं द डब्ल्यू बराबर
एफ इंटू एस, और इस कंडीशन में जो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा वह कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा। उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा। दूसरा पॉइंट, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा का मतलब कि यदि आप बल आगे की ओर लगाते हैं, विस्थापन क्या हो? पीछे की ओर हो। या आप कह सकते हैं कि यदि आप किसी वस्तु को बल लगाकर आप ऊपर की ओर खींचते हो और आप उसको खींच पाने में असमर्थ हो, तो उसका विस्थापन क्या होगा? नीचे की ओर होगा। अर्थात ये जो बल होगा और ये विस्थापन होगा, इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। तो आप कह सकते हैं थीटा बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं cos 180 अंश का मान कितना होगा? -1। आप यहाँ पे मैथ में ये आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन, तो यहाँ cos 180 अंश, तो यहाँ पे आप जब आप रखेंगे तो आप लिखेंगे W बराबर एफ एस cos 180 अंश, और इसका मान रखेंगे तो W बराबर माइनस एफ एस। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो कार्य होगा वह कार्य सबसे न्यूनतम होगा। तीसरा कंडीशन, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समकोण हो, समकोण का मतलब एक दूसरे से क्या हो? 90 अंश हो। और 90 अंश होने पर आपके यहाँ कहेंगे क्या कि cos 90 अंश का मान क्या होगा? 0। तो आप कह सकते हैं कि W बराबर एफ एस cos 90 अंश, और यहाँ पे आप लिखेंगे cos 90 अंश का मान 0। तो इस कंडीशन में आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे इसके आपके 3 पॉइंट हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि हम आपको यहाँ कार्य बता रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और ये आपका जो कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कार्य क्या होते हैं, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि कार्य किसे कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसके बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, या सीधी सी बात, यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं उसमें यदि विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कभी कभी ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद भी उसमें विस्थापन हो जाता है, किसी वस्तु में विस्थापन नहीं हो पाता। जैसे आप लोग, हम अभी एग्जाम्पल बताए भी थे कि जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए किसी मकान का दीवाल है, और यह दीवाल है, अगर इसको कोई छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथ से इसको बल लगाकर अगर इसको ढकेलने का प्रयास करे, तो उस छोटे बच्चे के द्वारा अगर ये दीवार ढकेल पाने में असमर्थ होगा तो इस दीवार का विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। या आप कह सकते हैं कि जैसे पहले हम देखते थे कि जब कोई एक कार होता था या कोई मारुति होता था, तो उसको 5-6 बच्चे मिलकर क्या करते थे? ढकेलते थे। और उसको 5-6 बच्चे मिलकर यदि उसको ढकेल पाने में क्या हो? समर्थ है, तो उसके द्वारा कार्य होगा। यदि उसको आप नहीं धकेल पाते हैं तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? 0 होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि कार्य हमारा कब होगा? कार्य हमारा तभी होगा जब आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु में विस्थापन होगा। यदि विस्थापन होगा तो कार्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। जैसे यदि आप और एग्जाम्पल समझना चाहें, जैसे आपको कह दिया, जैसे इसी मतलब एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में पूरे बेंच रखा गया है, 10 बेंच अगर रखा गया हो, तो अगर उस क्लासरूम में आप सपोज दैट इस तरह से 10 बेंच रखा गया हो, हमने कहा कि आप इस सभी बेंच को आप क्या करिए? बाहर निकाल दीजिए। हमने आपको कह दिया और कह कर हम किसी जगह पे मतलब कहीं हम चले गए और हम 1 घंटे 2 घंटे बाद आए, तो आपने इस बेंच को बाहर रखा और हमें आपको लगा कि हम लेट हैं, तो फिर आप ब्रेंच को जहां था उसी स्थान पर रख दिए, और हम वापस आए तो देखे यही कि
कि जो आपका ब्रेंच था जहां पहले था वह भी उसी जगह पे क्या है। तो आप कह सकते हैं मतलब उस ब्रेंच में विस्थापन क्या आपको दिखाई नहीं दिया, अर्थात आपको यह देखने को मिला कि जहां पे ब्रेंच था वह उसी जगह पे था, तो आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं किया। आपने ये नहीं देखा कि व्यक्ति ने कार्य किया कि नहीं, आपने ये देखा कि वह जो ब्रेंच है उसमें विस्थापन क्या है, नहीं हुआ है। और विस्थापन नहीं हुआ तो आप उसी के तहत कह दिए कि उस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है वह शून्य है, यानी उस व्यक्ति ने कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे आपके ये कार्य होंगे, अर्थात आप एक बात सीधे कि जब किसी वस्तु में विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। और यहाँ पे कार्य का आपका सूत्र होता है कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, जिसे हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटू एस कहते हैं। इसका मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हमें हम केस में किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ पे आते हैं कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, जूल या किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कैसी राशि है, अदिश राशि। यदि कार्य और विस्थापन दोनों एक दूसरे के से थीटा कोण बनाए, अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि बल एफ हो विस्थापन एस हो तो इसका जो थीटा कोण आपका 36 बनता है वो क्या होगा, कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू यस कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं 36 में इसका 36 कोण बनाएंगे तो ये कॉस होगा, लंबवत बनता है तो आपका क्या होगा, साइन होगा। तो यहाँ पे आपका सूत्र होगा डब्ल्यू एफ इंटू यस कॉस थीटा। तो इसके तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा का मतलब कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाकर अपनी ओर खींचते हैं तो विस्थापन भी आपके ही दिशा में हो, तो ये आप देखेंगे कि यह जो यफ है और ये जो विस्थापन है दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और समांतर के कंडीशन में आप जानते हैं कि इनके बीच जो कोण बनेगा जीरो अंश, तो आप जानते हैं कि कॉस जीरो अंश का मान क्या होगा, एक। तो यहाँ पे कॉस जीरो अंश का मान एक रखने पर ये आएगा डब्ल्यू आई एफ एस। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कॉस का अधिकतम मान एक होता है जबकि न्यूनतम मान कितना होता है, माइनस एक, तो आप कह सकते हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। दूसरा क्या है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। विपरीत कैसे होंगे, जैसे सपोज दैट हम इस किसी मार्कर को रस्सी बांध कर अगर ऊपर की ओर खींचते हैं, अगर इसको हम खींच पाने में असमर्थ हो तो ये मार्कर नीचे की ओर आएगा, तो बल ऊपर की ओर जा रहा है विस्थापन क्या रहा है, नीचे की ओर। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण कितने अंश का बनेगा, 180 अंश। तो कॉस 180 अंश का मान कितना होगा, माइनस एक। तो आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू एफ एस कॉस 180 माइनस सकेंगे तो डब्ल्यू माइनस एफ एस, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, न्यूनतम होगा। तीसरा पॉइंट, बल और विस्थापन एक दूसरे के समकोण हो, या आप कह सकते हैं कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। और लंबवत होने के कंडीशन में थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश। तो कॉस 90 अंश का मान शून्य होगा, तो डब्ल्यू आई एफ एस कॉस 90 इसका आपका क्या होगा, इसका आपका शून्य होगा। इसके एग्जाम्पल भी आते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि यदि कोई कूली रेलवे प्लेटफार्म पर या स्टेशन पर अपने सिर पर बोझ लेकर प्लेटफार्म के समांतर जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको बता दें यदि कोई कूली अपने सिर पर बोझ रखा है तो उस बोझ को अगर वो लेकर जाता है, तो इस बोझ को लेकर जाता है तो आप देखेंगे कूली जा रहा है इस दिशा में जबकि ये जो विस्थापन होगा ये ऊपर की ओर है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में कितना उसका कोण बनेगा, 90 अंश। तो आप उस कंडीशन में उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह कार्य सदैव कितना होगा, शून्य होगा। आपका ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई मनुष्य या कोई कूली अपने सिर पर कोई बोझ लेकर प्लेटफार्म के समांतर या कहीं जाता है, सीधी सड़क पर भी जाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सदैव क्या होगा, शून्य होगा। इसका और एग्जाम्पल है, एक प्रश्न आपका ये रेलवे प्लेटफार्म
लोकपालक में आया था कि यदि कोई मनुष्य किसी वस्तु को या किसी बक्से को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर अपने हाथ में लिए खड़ा है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को अपने हाथ में ऐसे उठाए हुए खड़ा है तो उसका जो वस्तु को जब वो ऐसे उठा लेगा तो वैसे आपका खड़ा है तो उस वस्तु का जो वो वस्तु जो है वो सदैव क्या है, एक ही स्थान पे है, अर्थात उस वस्तु का विस्थापन क्या है, शून्य है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। आपके दिमाग में ये प्रश्न इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि जैसे हम किसी वस्तु को ऐसे उठाए हुए हैं एक ही स्थान पे, तो आपको लगता है कि हम इसको उठाने में भी आपके ऊर्जा का आपके द्वारा किया कार्य किया जा रहा है, इसलिए लगता है कि आप कुछ ना कुछ कार्य होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस यही देखना है कि उसका विस्थापन हो रहा है कि नहीं, और जब पहले से कोई आपका वस्तु उठाए हुए है तो उसका विस्थापन सुने। अगर कहता कि जमीन से पृथ्वी के 1 मीटर तक ऊंचाई तक उठाए उठा रहे हैं तब कार्य पूछेगा तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो यहाँ पे आपका कार्य के विषय में बताया गया, इसके कुछ आपके न्यूमेरिकल है जिसको हम आपको बता रहे हैं।